Hello students, welcome all of you in your channel Biology Pushkar. Today we will discuss about DNA fingerprinting. So let's start the topic. प्रिंटिंग ओके, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सभी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है। और इसी को बोला जाता है डीएनए टेस्ट भी, डीएनए टेस्ट ओके। तो ये चार जो नाम है, ठीक है, फोर नेम जो है वो सभी एक ही टेक्निक का नाम है, ठीक है ओके। ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था उसका इन्वेंशन सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। तो इस बात को भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग invented by Sir Alec जेफरी, ठीक है। सर एलेक जेफरी ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था ओके, इन 1984, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इंडिया में कुछ लोगों ने, कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था, ठीक है। इन इंडिया फर्स्ट started by Dr. V K Kashyap, okay, and Dr. Lal Ji Singh, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले इंडिया में इस टेक्निक का यूज किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डीएनए का एक ओवरव्यू लेते हैं कि डीएनए का एक सीक्वेंस है, ठीक है। उस सीक्वेंस में जब हम लोग बात करते हैं कि सपोज़ ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, ठीक है, और ये पूरा 100% है, ठीक है। इसमें से 99.9%, ठीक है, 99.9%, ठीक है। जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है, ठीक है, इन ऑल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो 99.9% डीएनए सीक्वेंस सिमिलर इन ऑल, ठीक है, सिमिलर इन ऑल, ठीक है। कितना बच गया रेस्ट, 0.1%, ठीक है, 0.1%। ठीक है। तो जो 0.1% है वो क्या होता है, डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 0.1% है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और यहाँ पे मान लेते हैं 0.1% है, ठीक है। तो ये जो 0.1% जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, डिफर करता है हर एक पर्सन में। जैसे मैं बात करता हूँ कि 99.9% डीएनए का जो सीक्वेंस है वो मेरे में जैसा है, वैसा 99.9% सीक्वेंस आप में भी वैसा ही होगा, ठीक है। बट 0.1% सीक्वेंस क्या होता है, डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, ओके। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फिर ठीक है। अब ये जो 0.1% डीएनए सीक्वेंस क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, ठीक है। तो these differences in DNA sequence is called पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जो डिफर कर रहा है डीएनए सीक्वेंस वो क्या शो करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, बहुत सारा डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेगा 0.1% वाला जो डिफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या बोल दिया गया, पॉलीमॉर्फिज्म बोल दिया गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है या डीएनए जो है, ठीक है, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिफरेंट सीक्वेंस है और कौन सा सिमिलर सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको सेपरेट करते हैं, डीएनए को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो डीएनए सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर सेपरेट किया गया, ठीक है। जब सेपरेट किया गया तो यहाँ पर देखा गया दो पीक मिला, ठीक है। इस तरह का दो पीक मिला। अब यहाँ पर ये जो है आपका ये जो वाला पीक है, ठीक है, इसको बोल दिया गया क्या, बल्क डीएनए, ठीक है। इसको क्या बोल दिया गया, बल्क डीएनए बोल दिया गया, ठीक है। बल्क डीएनए कौन सा वाला, तो 99.9% वाला जो सिमिलर सीक्वेंस था उसका जो पीक आया वो कैसा आया, बल्क डीएनए आया, ठीक है। बल्क डीएनए का एक पीक आया, ठीक है। 0.1% वाला जो डीएनए है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए बोल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोल रहे हैं, रिपीटेटिव डीएनए बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका सैटेलाइट डीएनए हो गया और रिपीटेटिव डीएनए हो गया, ठीक है। मतलब सीक्वेंस क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहीं जाइएगा नहीं, इस पोर्शन को कंप्लीट एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तो अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने क्या लिया था, दो पीक आया था, ठीक है। जब डीएनए को सेपरेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर, ठीक है। तो उस पीक को फिर से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है तो उसको भी हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डीएनए ये फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई कि ये दो पीक आया, ठीक है, दो पीक आया, ठीक है। अब इसको क्या बोल दिया गया था, सैटेलाइट डीएनए बोल दिया गया था, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। इसको क्या बोल दिया गया था? सैटेलाइट डीएनए बोल दिया गया था, ठीक है, ठीक है। क्या बोल दिया गया था इसको? सैटेलाइट डीएनए बोल दिया गया था, ठीक है। और क्या बोल दिया गया था? और रेपिटेटिव डीएनए बोला गया था, ठीक है, रेपिटेटिव डीएनए बोला गया था, ठीक है। अब इसको क्या बोला गया था? बल्क डीएनए, ठीक है, इसको बल्क डीएनए बोल दिया गया था, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, किसको? सैटेलाइट डीएनए को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं सैटेलाइट डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ। तो जब बेसिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो तीन बेसिस के बेसिस पर सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो जैसे इसको क्लासिफाई किया जा रहा है कौन कौन से बेसिस पर भाई, ठीक है। तो ATGC सीक्वेंस, ठीक है, एडेनिन थाइमिन एंड ग्वानिन साइटोसिन का क्या रेशियो रहेगा, ठीक है, डीएनए में, उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है सैटेलाइट डीएनए को, ठीक है। सेकंड, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए के लेंथ के बेसिस पर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डीएनए, इसके बेसिस पर भी क्या किया जाएगा? क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉपी नंबर, ठीक है। तो कॉपी नंबर क्या होता है, इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है, ATGC सीक्वेंस क्या होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सैटेलाइट डीएनए को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया, ठीक है। एक हो गया आपका, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ही इसको यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका क्या? मिनी सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, मिनी सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। और दूसरा हो गया, सेकंड आपका क्या हो गया? माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। सैटेलाइट डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए को क्लासिफाई किया गया बेसिकली टू टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ ATGC सीक्वेंस, लेंथ ऑफ डीएनए, कॉपी नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है क्या? रिपीटेटिव डीएनए, मतलब एक ही तरह का सीक्वेंस क्या होता है? रिपीट करता है, ठीक है। मिनी सैटेलाइट को VNTR भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? VNTR, ठीक है। VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है। मिनी सैटेलाइट को VNTR भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोला गया? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, VNTR को, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को भी यहाँ पर मेंशन करना होगा, क्या मिनी सैटेलाइट मीन्स रिपीटेटिव डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट मीन्स रिपीटेटिव डीएनए। तो इसका मतलब समझेंगे यहाँ पर, ये क्या होता है? रिपीट करता है कितना सीक्वेंस? तो 11 to 60 बेस पेयर, ठीक है, 11 to 60 बेस पेयर। माइक्रो सैटेलाइट में जब हम लोग बात करते हैं तो माइक्रो सैटेलाइट में क्या होता है? 2 to 8 बेस पेयर, ठीक है। ये क्या होता है? रिपीट करता है सीक्वेंस। तो इसका एक मीनिंग समझेंगे कि ऐसा क्यों है, और VNTR क्या है, कॉपी नंबर क्या है, ठीक है, लेंथ कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज हेयर ATCTACT ठीक है, ये डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, इसी तरह से A T C T A C T C G। ठीक है, इसी तरह से फिर सेम कॉपी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, A T C T A C T A T C G। ठीक है, तो इस तरह का कोई डीएनए का एक सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि 11 to 60 बेस पेयर तक का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए मैंने केवल 11 बेस पेयर का लिया है। ठीक है, अब ये जो 11th सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक ही तरह का सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग एक दूसरे फॉर्म में और समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये किसका डीएनए है भाई। ठीक है, तो कोई पर्सन है जिसका नाम है ए से किसी का नाम है। ठीक है, तो ए कोई पर्सन है जिसका डीएनए ये है। ठीक है, उसी तरह से कोई बी पर्सन ले लेते हैं, जो उसके डीएनए के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं, तो सपोज़ A T G C T G T A T C G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसी तरह का एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, A T G C T G T A T C G। ठीक है, अब ये कोई बी पर्सन है। ठीक है, इसमें इस तरह का डीएनए का रिपीटेटिव सीक्वेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक टर्म्स को, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस टर्म्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि क्लासिफाइड किया जाता है सैटेलाइट डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ ATGC सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें सपोज़ ATGC सीक्वेंस कितना है, इसके बेसिस पर भी इसको क्या किया जा सकता है, क्लैरिफाई किया जा सकता है। ठीक है, कि मिनी सैटेलाइट में क्या होगा, माइक्रो सैटेलाइट में क्या होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, तो डीएनए का लेंथ कैसा होगा। ठीक है, तो लेंथ मीन्स, अब अगर इसको माइक्रो को भी साइड में मेंशन कर लें तो आसानी से इसको क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि माइक्रो में कितना बेस पेयर का लिया गया है, 2 to 8 बेस पेयर। ठीक है, तो 2 to 8 बेस पेयर, सपोज G C G C G C। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हम लोगों ने जस्ट एक चूज़ किया कि 2 बेस पेयर हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का सीक्वेंस बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ATGC सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो ATGC सीक्वेंस इसमें चेक कर लेंगे। लेंथ ऑफ डीएनए, तो इसका जो लेंथ होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसका लेंथ ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा भाई, कि 11 और 60 बेस पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर 2 to 8 बेस पेयर रिपीट कर रहा है सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और टर्म आता है, VNTR। ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ठीक है, तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट मीन्स व्हाट। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये ए कोई पर्सन है जिसमें क्या है, एक ही तरह का रिपीटिंग सीक्वेंस 3 है। ठीक है, 3 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ये कोई बी पर्सन है, इसमें क्या है, 1 and 2 इस तरह का क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल नंबर हो गया, नंबर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये वेरी कर गया, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ठीक है, तो टेंडम रिपीट मतलब कुछ इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब कॉपी नंबर क्या होता है, ठीक है, तो कॉपी नंबर भी पता होना चाहिए। तो कॉपी नंबर मीन्स व्हाट, ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड सीक्वेंस इन डीएनए, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉपी नंबर बोल देंगे। तो कितना टाइम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, हाउ many times repeat the sequence of DNA, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉपी नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉपी नंबर क्लियर हो रहा है कि कॉपी नंबर कैसे बताया जाएगा। ठीक है, तो कॉपी नंबर के बेसिस पर भी क्या किया जाता है, मिनी और माइक्रो सैटेलाइट में डिफरेंस देखा जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया VNTR। अब इसके बाद ये पूरा टर्म्स जो था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात आती है तो बेसिकली हम लोगों का काम कहाँ से होता है, तो मिनी सैटेलाइट से होता है। ठीक है, तो मिनी सैटेलाइट क्या है, VNTR क्या है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्म्स है उसके बारे में भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट के बारे में। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट क्या होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल वे में करते हैं कि लेंथ में जो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट बोलते हैं। यहाँ पर लेंथ आपको दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट बोल देंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, वेरिएशन in the length of DNA at specific loci, ठीक है, is called restricted fragment, restricted फ्रैगमेंट। ओके, तो ये बात क्लियर हो गया रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, एक टर्म्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, आपको नॉलेज होना चाहिए इस टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो ये टर्म्स है आपका क्या, RFLP, ठीक है, RFLP, ठीक है, तो RFLP का फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, RFLP होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। अब ये डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, कौन सा डीएनए, VNTR, ठीक है, जिसमें क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस है। अब इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, किससे कट करते हैं भाई, ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी किसका नाम आता है, ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियेज का, एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, इससे क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। ठीक है, अब जब कट करेंगे तो इसका लेंथ और इसके लेंथ में क्या होगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये 3 सीक्वेंस है, यहाँ पर 2 सीक्वेंस है, जब इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन किया गया, कट किया गया, फ्रैगमेंट दिख रहा है। ठीक है, लेंथ दोनों का क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, मतलब वेरिएशन शो करेगा। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। ये अप्लाई किया, क्या किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो आरएफएलपी क्लियर हो गया कि आरएफएलपी क्या होता है। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, ठीक है, इसको कट कर लिया गया बाय द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस से जब कट किया गया तो इसका जो लेंथ मिला, अब उसमें क्या शो करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म पहले भी मैंने आपको बताया है। ओके, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे किसके ऊपर, मेथड के ऊपर, ठीक है, कि मेथड कौन कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मेथड के बारे में, ठीक है। तो मेथड यूज्ड इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। मेथड यूज्ड इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो है वो कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। कहाँ से एक्सट्रैक्शन किया जाएगा भाई, तो सेल से, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम सेल, ठीक है, फ्रॉम सेल बाय सेल लाइसिस, ठीक है, सेल लाइसिस। सेल को क्या किया जाएगा, ब्रेकडाउन किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिससे क्या किया जाता है कि उसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है। वो डीएनए एक्सट्रैक्शन में जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सेल, फ्रॉम सेल से क्या किया गया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है। अब जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं कोई क्राइम सीन पर कोई सेल मिला है और उस सेल से क्या करना है, डीएनए को निकालना है, ठीक है। तो अब उसको क्या कर रहे हैं, डीएनए को निकाल ले रहे हैं, ठीक है। कोई ब्लड सैंपल मिला है, हेयर सेल्स मिला है, ठीक है। अब उससे डीएनए को निकाल लिया, बट वो उतना डीएनए आपके एक्सपेरिमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डीएनए का नंबर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। देन सेल लाइसिस कर लिया, देन क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्या किया जाएगा, डीएनए का नंबर इंक्रीज़ करा लिया जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। पीसीआर ये होता क्या है भाई, तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। ये बात हो गया। सेकंड मेथड के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि सेकंड मेथड इसमें कौन सा अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड में बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंजाइम डाइजेशन। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस था उसको क्या कर रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवा रहे थे। और डाइजेस्ट करवाने के बाद वहाँ पर क्या मिला था, आपका RFLP मिला था, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसी सीक्वेंस का मेनली यहाँ पर क्या होता है, यूज होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, इसलिए RFLP क्या होता है एकदम से क्लियर मैंने बताया है और उसको माइंड में रखना है। ठीक है, तो RFLP, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि भाई कौन सा एंजाइम मोस्टली यूज होता है, कॉमनली यूज होता है, ठीक है, तो इसमें एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करते हैं, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इसमें एक कॉमनली यूज होने वाला एंजाइम है, ठीक है, HAE III। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है ये एंजाइम, ठीक है, तो इसमें नाम आता है हीमोफिलस एजिप्टस। ठीक है, तो ये हीमोफिलस एजिप्टस ऑर्गेनिज्म है जिससे ये क्या निकाला जाता है, HAE III निकाला जाता है। ठीक है, और इससे क्या किया जाता है, कट किया जाता है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का ये टाइप एक है। ठीक है, थर्ड प्रोसेस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो थर्ड प्रोसेस में किसका डिस्कशन होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये क्या है, एक चैम्बर है। ठीक है, और इस चैम्बर में होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, एक जेल डेवलप किया जाता है। ठीक है, एक जेल बनाया जाता है, जेल में क्या किया जाता है, कॉम के थ्रू चैम्बर डेवलप कर लिया जाता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, DNA लोड किया जाता है। ठीक है, अब ये जेल हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, बना लिया है। ठीक है, तो इसको एक जेल को बना लेते हैं, सपोज हियर ये क्या है, जेल है। ठीक है, जेल ऐसे इस फॉर्म में रहेगा, बट यहाँ पे समझना है कॉन्सेप्ट को, तो इजीली यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाया है। ठीक है, अब ये चैम्बर है, इसमें क्या लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इससे क्या लगा हुआ रहेगा, यहाँ से वायर कनेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्या रहेगा, वायर कनेक्ट रहेगा। ठीक है, और इसमें ये प्लग लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये प्लग लगा हुआ रहेगा, ये बात हो गया। ठीक है, अब इसमें ये कॉम से क्या किया गया है, एक थोड़ा सा डिप्रेशन उसमें बनाया गया जिसमें क्या किया जाएगा, DNA लोड किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जेल है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, DNA को लोड किया जा रहा है। ठीक है, लोड कर दिया गया, लोड करने के बाद अब क्या होगा, DNA ट्रैवल करेगा, DNA मूव करेगा। ठीक है, क्यों मूव करेगा भाई, ठीक है, DNA अब क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, DNA क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये DNA क्या हुआ, मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, DNA को सेपरेट किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, DNA सेपरेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड, ठीक है, चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के बेसिस पर क्या होता है, ये सेपरेट होता है। ठीक है, क्यों ऐसा, तो DNA कैसा है, ठीक है, तो DNA कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये DNA यहाँ पर लोड किया गया है, अब इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसमें एक बात और यहाँ पर माइंड में रखना है कि ये जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है तो हायर मॉलिकुलर वेट वाला जो होता है वो कहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में ये रह जाएगा। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, ये हाई मॉलिकुलर वेट वाला यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, मॉलिकुलर वेट, और लो मॉलिकुलर वेट वाला इधर की तरफ चला आएगा हल्का होने के वजह से। ठीक है, तो लो मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट के बेसिस पर भी इसको बताया जाता है कि ये सेपरेट होता है। ठीक है, तो डीएनए सेपरेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड मॉलिकुलर वेट। ठीक है, अब इसके बाद ये सेपरेट हो चुका है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मेथड। तो ये हो गया आपका क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या डीएनए सेपरेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। डीएनए कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, हाई मॉलिकुलर वेट, लो मॉलिकुलर वेट के बेसिस पर ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ से आपसे अराइज किया जा सकता है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ देता है तो इस बात को यहाँ पर बता देना है, PO4 3-। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड पर क्या होता है, माइनस नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है वो है आपका फोर्थ, कौन सा, तो फोर्थ है सॉदर्न ब्लॉटिंग। सॉदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले नाम आता है एडवर्ड साउदर्न का। ठीक है, जिन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, इन 1970। ठीक है, इस टेक्निक को साउदर्न ब्लॉटिंग होता क्या है, ब्लॉट मीन्स जस्ट प्रिंट करना। ठीक है, कॉपी बनाना, प्रिंट करना। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि साउदर्न ब्लॉटिंग में यूज क्यों किया जाता है इस टेक्निक को। ठीक है, जेल में जब सेपरेट हो गया डीएनए, ठीक है, तो इस टेक्निक का यूज क्यों किया गया। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर मेंशन कर लेंगे क्यों किया गया। ठीक है, जेल जो होता है वो फ्रैगिल होता है। ठीक है, जेल इज फ्रैगिल। ठीक, इट इज necessary to remove the DNA from gel। ठीक है, जेल से क्या करना है, डीएनए को रिमूव करना है। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें करते क्या हैं। ठीक है, सपोज जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे ये क्या है, जेल है। ठीक है, ये जेल है, जेल पर क्या करना है, ये जेल है। ठीक है, सिंपल ऐसे समझिए, ये जेल है। ठीक है, इसके ऊपर क्या करना है, डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए को क्या करना है, इससे रिमूव करना है। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, नायलॉन सीट लगाएंगे। ठीक है, तो नायलॉन सीट जब इस पर लगाएंगे तो इस पर, इसके ऊपर जो डीएनए है वो क्या होगा, इस पर आ जाएगा, नायलॉन सीट के ऊपर आ जाएगा, तो रिमूव हो जाएगा। इससे जेल से डीएनए रिमूव हो गया। ठीक है, यही बात हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें किसका यूज किया जाएगा भाई। ठीक है, तो इसमें यूज किया जाएगा किसका, नायलॉन सीट का। ठीक है, नायलॉन सीट का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। यूज्ड इन दिस टेक्निक। ठीक है, इस टेक्निक में नायलॉन सीट का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फिर, ठीक है, कि ये जो सावधान ब्लॉटिंग किया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए यहाँ पर क्या डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या कर लिया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल, ठीक है। तो केमिकल क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सावधान ब्लॉटिंग हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये नायलॉन सीट है, ठीक है, और इस सीट के ऊपर डीएनए का भी ये मिल गया है क्या, ठीक है, इस तरह का डीएनए मिल गया है, ठीक है, ठीक है, इस तरह का क्या मिल गया है, डीएनए मिल गया है, ठीक है, ठीक है। इस तरह का डीएनए यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड मिल गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिर ठीक है नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका फिफ्थ स्टेप हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को जस्ट यहाँ पे सपोज ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, हाइब्रिड बनाया जाएगा, किसके साथ, ठीक है, तो प्रोब के साथ, ठीक है। किसके साथ बनाया जाएगा भाई, तो प्रोब के साथ बनाया जाएगा, ठीक है। ये हाइब्रिड बना दिया गया है। प्रोब होता क्या है, ठीक है, ये क्या है, प्रोब है, ठीक है। प्रोब क्या होता है भाई, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें लगा देंगे, ठीक है। इसमें क्या लगा दिए हैं, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा दिए हैं, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या लगा हुआ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, सब्सटेंस लगा हुआ है। ये रेडियो एक्टिव है क्या, ठीक है, तो ये है आपका P32, ठीक है, लगा हुआ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा हुआ है और इसके साथ ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइज हो गया है, ठीक है, हाइब्रिडाइज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, 6 नंबर स्टेप जो है, 6 नंबर मेथड जो है, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, इसको ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, हाइब्रिड बन चुका है, ठीक है, क्या बन चुका है, हाइब्रिड बन चुका है, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, ठीक है। और इस पर क्या लगा हुआ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा हुआ है, ठीक है। इधर से सपोज कर रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इधर से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे तो इधर क्या होगा, एक फिल्म रहेगा, ठीक है, और फिल्म के ऊपर इसका एक इमेज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो फिल्म के ऊपर क्या हुआ, एक इमेज डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बन जाएगा, ठीक है, इस इमेज को हम लोग क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक्सरे फिल्म है, ठीक है, एक्सरे फिल्म है, ठीक है। इधर से एक्सरे दिया गया, ठीक है, और जब एक्सरे दिया गया तो इस पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था जो क्या किया, उसका एक फिल्म बना दिया, किस पे, एक्सरे फिल्म के ऊपर, ठीक है, और इसको आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। यही बात हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, ठीक है, VNTR का यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, ठीक है, का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। और इसमें कैसे देखा जाएगा, तो इसके लिए भी एक और मेथड हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एक्सरे पास करवाने के बाद इस तरह का फिल्म बन जाएगा और फिल्म को आसानी से एनालाइज कर लिया जाएगा कि ये क्रिमिनल का डीएनए है और ये सस्पेक्ट का डीएनए है और ये किसी इनोसेंट का डीएनए है। ठीक है, तो इस तरह से वो एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया क्लियर। ठीक है, मेथड हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एक जेल के अंदर इसको रन करवा करके, ठीक है, डीएनए को VNTR को देखा जा सकता है और एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है, कि क्राइम सीन पर जो ब्लड सैंपल मिला है वो किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो VNTR को कैसे मैच करवाते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं फिर। ठीक है, तो सपोज हियर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये क्रोमोसोम मिला है कहाँ पे, क्राइम सीन पे। ठीक है, क्राइम सीन पे मिला है। ठीक है, कोई पर्सन है जिसका नाम C है। ठीक है, कोई C पर्सन है, ठीक है, जिसका ये क्रोमोसोम उससे एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर VNTR देखते हैं। ठीक है, 1, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 2, 4, 6, 9। ठीक है, ये क्रोमोसोम का नंबर हो गया। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, कोई 2 पर्सन और है, ठीक है, जो सस्पेक्ट है। ठीक है, ठीक है, A and B। ठीक है, सिक्स VNTR, 8, 4, 9। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर इसका कितना हो गया, 9। ठीक है, ये 6, ठीक है, ये 4 और ये 2 क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस इस तरह का VNTR है। ठीक है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर वी एन टी आर को काउंट कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 8 4 9। ठीक है, अब इनको क्या किया जाएगा? ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाएगा। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ठीक है ये चैम्बर हो गया, यहाँ पर डीएनए लोड किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सपोज 10 10 9 8 और 7 6 6 5। ठीक है, 5 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई डीएनए का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये सपोज ये सी पर्सन है। ठीक है, क्राइम सीन पर जिसका सैंपल मिला है, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। ठीक है, अब क्राइम सीन पर जो सैंपल मिला है उसमें क्या क्या है भाई? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नंबर क्या है? क्रोमोजोम 9 में है। 9 यहाँ पर क्या है? VNTR है। ठीक है, तो 9 यहाँ पर एक डीएनए यहाँ पर सिंबल बना दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 8। ठीक है, फिर 8। ठीक है, इसके बाद 6, देन 6। ठीक है, देन 4 4। ठीक है, ये हो गया। ए इंडिविजुअल में बात करेंगे। ठीक है, तो 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 6। ठीक है, 5 5। ठीक है, 4 4 एंड 2। ठीक है, ये 2 हो गया। बी इंडिविजुअल में बात करते हैं 9 8। ठीक है, 6 6। ठीक है, एंड 4। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो मैच कर रहे हैं, तो सी क्राइम सीन पर मिला है, मीन्स क्राइम किसने किया है। ठीक है, तो बी क्या है? क्रिमिनल है, जिसने क्या किया है? क्राइम सीन पर कुछ क्राइम किया है। ठीक है, तो इससे मैच किया जा सकता है और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।